नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव। दोस्तों, हम लोग इंटरमीडिएट का रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट है, ईथर का आपको लास्ट टॉपिक पढ़ना है, लास्ट रासायनिक क्रिया पढ़नी है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। और इसमें आप लोग देखेंगे, पहले तो अनुनादी संरचना देखेंगे, और इसके अलावा आप लोग इसके तीन अभिक्रियाएं हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे, हैलोजनन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा इसके बाद आपका आता है नाइट्रोकरण। ठीक है, तो यह तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ईथर के इन तीनों अभिक्रियाओं को सीखने के लिए आप लोग वीडियो को कृपया करके अंत तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मे बी एग्जाम में आपके अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर के रासायनिक अभिक्रियाएं जो है उसमें से दो क्वेश्चन पूछा जाना हो सकता है, कंपलसरी हो। चाहे अगर शॉर्ट में आएगा तो दो आएगा, अगर लॉन्ग में आएगा तो कोई एक ही आएगा। बात समझ में आई? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग देखते हैं ईथर की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों, क्या होता है इसमें, एल्कॉक्सी समूह जो होता है, एल्कॉक्सी समूह का मतलब ओआर ग्रुप जो होता है, वह आर्थो व पैरा निर्देशित होता है। मतलब जो आपका प्रतिस्थापी समूह जुड़ेगा उसको या तो यह आर्थो पोजीशन पर जोड़ेगा, इसका मतलब दूसरे कार्बन से जोड़ेगा, अथवा जो है इसके चौथे कार्बन, जिसको आप पैरा पोजीशन का नाम देते हैं, वहां पर जो है जोड़ेगा। कौन? जो आपका अल्काक्सी समूह होता है। ठीक है, तो अल्काक्सी समूह क्या होता है, यह जो नया जुड़ने वाला समूह होता है बेंजीन रिंग में, उसको या तो आर्थो पोजीशन पर लगाता है, जुड़ाता है, या तो क्या करता है, इसको पैरा पोजीशन पर जोड़ देता है। ये सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे आपका फिनाल वर्क करता है, एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कराता है, संपादित कराता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जो आपका एक ईथर लेते हैं, ईथर में क्या कराते हैं, आप जो है इसके अनुनादी संरचना को देखिए, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है संपादित होगी। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम एक जो है ईथर बनाते हैं। क्या लेते हैं? ईथर लेते हैं। चलिए, हम लोगों ने क्या लिया, एक ईथर लिया। ये आपका क्या हो गया, ईथर हो गया। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहाँ पर क्या आपका आर, ठीक, आपका एल्किल समूह है। इसी को आप क्या कहते हैं, एल्काक्सी समूह कह रहे हैं यहाँ पे, यही हुआ क्या, एल्काक्सी समूह है। अब देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर चार जो है इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जैसे ही यह बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो इस दोनों कार्बन के मध्य का जो दो डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, उसका जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस कार्बन पर शिफ्ट करेगा। ठीक है, जब इस कार्बन पर शिफ्ट करेगा तो एक अनुनादी संरचना प्रदर्शित करेगा। किस प्रकार की अनुनादी संरचना होगी, आइए हम लोग देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार की अनुनादी संरचना होगी। अब क्या होगा, जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर शिफ्ट कर जाएंगे तो यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, तथा जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बंध बनेगा वह बनेगा डबल। ठीक, और इस ऑक्सीजन पर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अन्य जो है आपका इस अभिक्रिया में जो है, जो जहां पर बॉन्ड बन रहे थे वहीं पर बॉन्ड बनेंगे। ठीक, अब क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में यह जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज है, वह करेगा फिर से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, और इस दोनों कार्बन पे क्या है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो पाई बंध का इलेक्ट्रॉन है, उसका पाई बंध का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट अनुनादी संरचना में आप लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर देखेंगे। उसमें क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो है, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए कि यह जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था, वह बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अब ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था, पाई इलेक्ट्रॉन था, ये इस कार्बन पर शिफ्ट कर गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी का सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे था। अब इस स्टेप में क्या होगा, यह जो निगेटिव चार्ज है या बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा इसके इलेक्ट्रॉन, और यह जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बंध का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से एक बार आप लोग फिर से देखेंगे
इसका नेक्स्ट अनुनादी संरचना, नेक्स्ट अनुनादी संरचना में क्या होगा आप देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध है और इसी पर क्या है पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पर शिफ्ट किया इलेक्ट्रॉन तो इस स्टेप में यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन गया, ये आपका डबल बॉन्ड बन गया है, ठीक है। अब इस स्टेप में क्या होगा, अब इस स्टेप में क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वह यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे और जो यहाँ पर डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन है तो यह क्या करेंगे अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो किस प्रकार की संरचना बनाएगा आइए हम लोग देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार की जो आपका यह डबल बॉन्ड है वह क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आर रहेगा भैया, ठीक है। यहाँ पे हम एच लिख दिए फिनाल वाला सब याद आ रहा है क्योंकि फिनाल आप लोग बहुत दिन तक पढ़ाया है तो फिनाल याद आ रहा था, इसलिए यहाँ पर आप लोग आर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने आर लिया था तो ये आपका आर हो जाएगा। अब यह आर हो गया, यहाँ पे आपका चार्ज समाप्त हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड था। अब यह जो पाई बंधक जो आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करेगा बॉन्डिंग बनाएगा तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि यह जो है पांच प्रकार की अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। यह पांच प्रकार की अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित कर रहा है, ठीक। तो आप लोगों ने ये देख लिया, इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि यह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या करता है समर्पित रहता है, ऐसे ही आपका फिनाल भी करता था। आप लोग देखिए कि इसका जो नेगेटिव चार्ज किस किस पोजीशन पर आया, यहाँ आपका ग्रुप जुड़ा हो तो ये आपका आर्थो हो गया, अगर ये आर्थो है और यहाँ पर जुड़ा हो तो जहाँ पर जुड़ा था उसके जस्ट नीचे क्या होता है आपका पैरा, तो पैरा पोजीशन पर भी है और यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर भी आपको जो है इलेक्ट्रॉन को जो आपका नया समूह जुड़ेगा प्रतिस्थापी समूह जुड़ेगा उसके लिए यहाँ पर पोजीशन को डिसाइड कर रहा है। इस प्रकार से इसमें क्या होगा जो जो बेंजीन रिंग होगा उसमें इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समर्पित किया जाएगा उसके प्रति जो है ये होगा, ठीक है। तो अब आप लोग इतना समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं ईथर में। अब हम लोग पढ़ेंगे ईथर का हैलोजनीकरण, हैलोजनन रिएक्शन। तो क्या होता है जो आपका एनिसॉल होता है, क्या होता है जो आपका एनिसॉल होता है, एनिसॉल का मतलब क्या हो गया कि जो आपका ईथर होगा, एनिसॉल क्या आपका ईथर है, वह ईथर क्रिया करेगा ब्रोमीन से और बनाएगा पैरा ब्रोमो एनिसॉल तथा आर्थो ब्रोमो एनिसॉल। तो जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा वह मुख्य होता है, ठीक है। पैरा वाला प्रोडक्ट क्या होगा मुख्य होगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है जो आपका एनिसॉल होता है वह एनिसॉल रिएक्शन करता है ब्रोमीन के साथ और बनाता है पैरा ब्रोमो एनिसॉल, ये आपका हो गया OCH3, ठीक है। इसको आप लोग बोलते हैं एनिसॉल, क्या बोलते हैं एनिसॉल या एनिसॉल बोलते हैं, ठीक है। अब यह एनिसॉल किससे रिएक्शन किया ब्रोमीन के साथ, ठीक है। अब जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो दो प्रकार का उत्पाद देगा, एक तो आपका आर्थो वाला उत्पाद देगा एक आपका पैरा वाला उत्पाद देगा। तो एक को बोलेंगे आर्थो ब्रोमो एनिसॉल और दूसरे को क्या बोलेंगे पैरा ब्रोमो एनिसॉल, ठीक है। तो जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा वही मुख्य प्रोडक्ट होता है, आर्थो वाला प्रोडक्ट जो होता है वह क्या होता है अल्प मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका OCH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक OCH3। अब यहाँ पर आपका हमने मान लिया ये क्या है आपका, इसको चाहे हम लोग बोलेंगे 2 ब्रोमो एनिसॉल अथवा इसी को हम लोग बोलेंगे आर्थो ब्रोमो एनिसॉल, ठीक है। तो चाहे हम लोग इसको 2 ब्रोमो एनिसॉल बोले चाहे आर्थो ब्रोमो एनिसॉल बोले, अब यह हो जाएगा आपका OCH3 और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन जोड़ दीजिए, इसको तो हम लोग बोलेंगे पैरा ब्रोमो
एनी सोल, ठीक है, या इसको बोलेंगे फोर ब्रोमो एनी साल बोलेंगे। बात समझ में आई? तो हैलोजनन, हैलोजनन हो गया, यह क्रिया क्या हो गई, हैलोजनन अभिक्रिया। बात समझ में आई? हैलोजनन अभिक्रिया जब आपका जो है ईथर हैलोजनन अभिक्रिया करता है तो उसमें क्या होता है, एनिसॉल जो होता है वह ब्रोमीन से क्रिया करके कन्वर्ट हो जाता है पैरा ब्रोमो एनिसॉल में और ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल में। तो जो आपका पैरा ब्रोमो वाला होगा यह मुख्य उत्पाद होगा, क्या होगा, मुख्य उत्पाद होगा, यह क्या होगा, अल्प मात्रा में होगा। जो ऑर्थो वाला है वह क्या होगा, अल्प मात्रा में होगा। बात समझ में आई भैया? तो यह हो गया आपका हैलोजनीकरण अभिक्रिया या हैलोजनन रिएक्शन, किसका, ईथर का हो गया। अगला है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो यह क्या करेगा, निर्जल AlCl3 के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, उसकी उपस्थित में अभिक्रिया करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपके ईथर की किस प्रकार से संपादित होती है। चलिए दोस्तों, आपकी ये दूसरी रिएक्शन है हैलोजनन के बाद जो है यह ईथर की दूसरी इलेक्ट्रॉन दान प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे आप नाम लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक। इसमें क्या होता है, जो आपका जो ये क्या है, आपका एनिसॉल है, ठीक है, एनिसॉल क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो इसे आप लोग क्या और बोल सकते हैं, इसे आप लोग बोलते हैं फेनिल मेथिल ईथर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फेनिल मेथिल ईथर बोल सकते हैं, ठीक है, या फेनिल एल्किल ईथर बोला जाता है सामान्यतः, इसको आप फेनिल मेथिल ईथर बोल सकते हैं। तो यह क्या करता है, आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देता है, ठीक है। तो ये उसमें क्या होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थित में जो आपका एल्किल तथा एसिल समूह होता है वह आर्थो तथा पैरा समूह पर क्या कराता है, जो भी आपका ग्रुप होगा उसको आर्थो और पैरा समूह पर जोड़ेगा। बात समझ में आई? तो इसमें क्या होता है, जो आपका ये एनिसॉल है यह पहले तो एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक आपका एल्युमिनियम क्लोराइड रहता है, तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड एनिसॉल से क्रिया करता है और क्या करता है, एक बार जो है आर्थो, ठीक है, आर्थो मेथॉक्सी टालुइन देता है, या आप इसको कह सकते हैं 2-मेथॉक्सी टालुइन, ये अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो होता है पैरा मेथॉक्सी टालुइन, या जिसे आप नाम दे सकते हैं 4-मेथॉक्सी टालुइन, ठीक है, यह मुख्य उत्पाद होता है इस क्रिया का, जब आपका एल्किल हैलाइड क्रिया करता है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एनिसॉल के साथ, तो आपका बनाता है 2-मेथॉक्सी टालुइन और 4-मेथॉक्सी टालुइन, 4-मेथॉक्सी टालुइन मुख्य उत्पाद होता है। वहीं पर आपका जो है जब एनिसॉल निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिल समूह, एसिल समूह यहाँ पर क्या है, CH3COCl है, इसको आप बोलते हैं एथेनाइल क्लोराइड, मतलब आपका एनिसॉल एसिल समूह के साथ रिएक्शन करेगा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो आपको बना के देगा 2-मेथॉक्सीएस्टोफिनोन, क्या देगा, 2-मेथॉक्सीएस्टोफिनोन, या आप इसको बोलेंगे ऑर्थोमेथॉक्सीएस्टोफिनोन, और साथ ही साथ मुख्य उत्पाद के रूप में 4-मेथॉक्सीएस्टोफिनोन अथवा आप इसको बोलते हैं पैरा मेथॉक्सीएस्टोफिनोन प्राप्त करते हैं। यह 4-मेथॉक्सीएस्टोफिनोन अथवा पैरा मेथॉक्सीएस्टोफिनोन इसका मुख्य उत्पाद होता है, वहीं आर्थो वाला जो उत्पाद, सॉरी, जो पैरा वाला उत्पाद होता है यह अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। आर्थो उत्पाद कम मात्रा में प्राप्त होगा जबकि पैरा उत्पाद आपको अधिक मात्रा में। तो हमने आपको बता ही दिया था इसके पहले कि यह जो है एकदम से फिनाल के तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा अगली अभिक्रिया आपका नाइट्रोकरण, ठीक है, क्या आपका नाइट्रोकरण, किसका, इस ईथर का नाइट्रोकरण। तो एनिसॉल कंसंट्रेट H2SO4 तथा कंसंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में क्रिया करता है तथा आर्थो नाइट्रो एनिसॉल देता है और पैरा नाइट्रो एनिसॉल देता है। तो जो आपका एनिसॉल होता है वह एनिसॉल अभिक्रिया करता है, ठीक है, अभिक्रिया करने के बाद एक बार आर्थो नाइट्रो एनिसॉल देगा और एक बार जो है पैरा नाइट्रो एनिसॉल देगा। किसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, तो एक बार होता है आपका
कंसंट्रेट H2SO4 दोबारा होता है आपका कंसंट्रेट HNO3। तो आइए हम लोग ये रिएक्शन देख लेते हैं, एनिसाल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। कहा क्या कहा जा रहा है, एनिसाल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एनिसाल की अभिक्रिया जब आप लोग कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट मतलब सांद्र H2SO4 तथा सांद्र सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं तो क्या होता है, एक बार आपको आर्थो नाइट्रो एनिसाल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आर्थो नाइट्रो एनिसाल प्राप्त होता है। इसका मतलब यहाँ पे NO2 समूह जाकर के जुड़ जाता है, और एक बार आपको प्राप्त होता है पैरा नाइट्रो एनिसाल, ठीक है। दोबारा से आपको क्या प्राप्त होता है, पैरा नाइट्रो एनिसाल प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाइट्रो समूह जुड़ गया, इसको बोलते हैं पैरा या फोर नाइट्रो एनिसाल, एनिसोल, ठीक है, या इसी को आप लोग बोलते हैं फोर नाइट्रो एनिसाल, या इसका मुख्य उत्पाद होता है। मुख्य उत्पाद का मतलब ज्यादा मात्रा में बनता है, जबकि आपका आर्थो नाइट्रो एनिसाल, आर्थो नाइट्रो एनिसाल, और या इसको आप लोग बोलते हैं टू नाइट्रो एनिसाल बोलते हैं, यह क्या होता है, अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। आप लोगों ने इस प्रकार से इसका नाइट्रीकरण पढ़ दिया, क्या है आपका नाइट्रीकरण, किसका नाइट्रीकरण, आपके फिनाल का नाइट्रीकरण। फिनाल के नाइट्रीकरण में बताया गया कि जो एनिसॉल होता है वह कंसंट्रेट या सांद्र H2SO4 और HNO3 की उपस्थिति में एक बार आपको अभिक्रिया करके देता है क्या, आर्थो नाइट्रो एनिसाल, दोबारा देता है पैरा नाइट्रो एनिसाल। जो पहला वाला प्रोडक्ट होता है वह मुख्य या मेन उत्पाद होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने इसका फेडर क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ा था, और इसके जस्ट पहले आप लोगों ने इसका हैलोजनन अभिक्रिया पढ़ा था। तो इस तरीके से आपका फिनाल यहाँ पर आप समाप्त होता है। तो भैया तीनों रिएक्शन जो आज आपको पढ़ाया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके बताएं। इस तरीके से आपका एल्कोहल फिनाल तथा इतर जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, टोटल केमिस्ट्री का आपका यह 11वां चैप्टर यह समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग एल्डिहाइड कीटोन तथा जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।